भरतपुर के रुदावल उप तहसील के गांव गुजर वलाई में पुलिस ने कमरे से अवैध रूप से रखी विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने इस पर बताया कि क्रेशर पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के रखे होने की सूचना मिली। इस पर बयाना सीओ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आज श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश थे, तो उसी बीच में एक सूचना मिली कि रुदावल थाने हल्के में एक गांव है गुर्जर वलाई, वहाँ पे कोई क्रेशर प्लांट है, उसके वहाँ पे कोई अवैध विस्फोटक होने की जानकारी मिली थी, जिसपे SHO रुदावल के साथ में स्वयं पहुँचा था, जहाँ पे कुछ लोग भाग गए थे मौका देख के। जब वहाँ पे पहुँचे हम लोग तो अमोनियम नाइट्रेट का 1.5 कट्टा तकरीबन 75 kg अमोनियम नाइट्रेट और 29 बंडल उसके जो फ्यूज वायर होते हैं डेटोनेटर के, वो मौके पे मिला था, जिसको सीज किया गया। अभी कौन कौन उसमें किन लोगों से संबंधित है इस बारे में तफ्तीश चल रही है। ये जगदम्बा क्रेशर प्लांट था जो रुदावल के गुजर भलाई इलाके में।